गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फिशर ट्रोपोच सिंथेसिस। सो इस टॉपिक के लिए मेरे पास कई सारे स्टूडेंट की कमेंट आई है, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत जल्दी में क्या है इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम है, उन्होंने बस दिखा है कि मैम इसे जल्दी अपलोड कीजिए। सो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं इसे बहुत जल्दी अपलोड कर रही हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही एमएससी के सारे टॉपिक्स की वीडियो क्या है टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, फिशर ट्रोपोच सिंथेसिस। ये जो रिएक्शन है, ये जो सिंथेसिस है, ये आपकी जर्मन साइंटिस्ट फिशर और ट्रोपोच नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप की, वो भी वर्ल्ड वार के दौरान, और इससे हमें मिलते हैं इंडोजिनस सोर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो देखिए, इंडिजिनस सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो हमारे कंट्री में पाए तो जाते हैं, पर वो हमारी जो हमारे कल्चर है, हमारी रिलीजन है, उन्हें डिफाइन करते हैं। ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इंडिजिनस सोर्स। ठीक है, तो वो हमें क्या मिलते हैं, इससे इंडिजिनस सोर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे CO और H2 को, आप इसे यूज़ करेंगे 1:2 में, मगर मतलब आप CO जितना भी ले रहे हैं उसके दुगने रेशियो में आपको क्या है, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और उसे आप पास करेंगे ट्रांजिशन मेटल की सरफेस के थ्रू। मीन आप कैटलिस्ट में क्या लेंगे, ट्रांजिशन मेटल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर CO और H2 है, आपने कैटलिस्ट लिया, तो यहाँ पर CnH2n+2, यानी आपको क्या देखने को मिला है, एल्केन मिला है। तो इस रिएक्शन के दौरान आप बहुत सारे क्या है, कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, Al2O3, कोबाल्ट, क्रोमियम, और बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, उन्हें क्या है आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ये आपके लिए काफ़ी मतलब नया होगा कि एक ही रिएक्शन से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि CH4, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, हायर मॉलिक्यूलर वेट वैक्सी हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे, मैथेनॉल मिलेंगे आपको, हायर अल्कोहल मिलेंगे, ऑलिफेंस मिलेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट आपको क्या है इस एक रिएक्शन से मिल सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक रिएक्शन से एक ही तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है, वो पॉसिबल ऐसे है कि मैंने आपको बहुत सारे कैटलिस्ट बनाएंगे बताएं, तो जब आप CO और H2 पर अलग अलग कैटलिस्ट डालेंगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको CH4 चाहिए तो उसके लिए आपको कैटलिस्ट निकिल ही यूज करना पड़ेगा, अगर आप निकिल यूज करेंगे तो ही आपको CH4 मिलेगा, अदरवाइज आपको CH4 नहीं मिलेगा। जैसे आप कोबाल्ट और आयरन यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको हायर एल्केन मिलते हैं, तो याद रखें, आपको लोअर एल्केन चाहिए तो निकल यूज़ करें, और हायर एल्केन चाहिए तो कोबाल्ट और आयरन यूज़ करें। ठीक है, अगर आपको रहोडियम यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको एल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, और आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो आपको याद रखें। ओके, अब मेन बात है, इस जो फिशर ट्रोपोच रिएक्शन है, इसके लिए आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो CO और H2 होता है, जो कि आपको कोल और ऑयल से मिलता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोल और ऑयल से कैसे मिलेगा। आपने कोल लिया, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई, 1000 डिग्री सेल्सियस पर कराई, तो आपको क्या है, CO और H2 मिला। मेन बात है, ये जो रिएक्शन आपकी होती है ये काफ़ी अनइकोनॉमिकल होती है। अनइकोनॉमिकल का मतलब क्या है, ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को सपोर्ट नहीं करती, मतलब ये रिएक्शन बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि भाई आपका जब आप ऑयल और कोल को ही एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी महंगी होगी। तो मेन बात है, जनरली इसे यूज़ नहीं किया जा सकता, पर इसे यूज़ करने की कुछ सिचुएशन है। वो कंट्री इसे यूज़ कर सकता है जिसमें क्या है, कोल काफ़ी चीप है, भाई सस्ता होगा, तो नॉर्मल सी बात है, रिएक्शन ऑफकोर्स यूज़ की जा सकती है। तो साउथ अफ्रीका में इसे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर कोल आपका क्या है, सस्ता होता है। इसके अलावा इसे वो कंट्री भी यूज़ कर सकता है, मेन बात है, जिसके पास पेट्रोलियम का भाई कोई सोर्स नहीं है। एक तो है जिनके पास सोर्स है, तो वो इतनी महंगी रिएक्शन क्यों यूज़ करेंगे। अब वो कंट्री जिसके पास सोर्स ही नहीं है, प्लस में वो वर्ल्ड वार के दौरान और कंट्रीज से अलग हो गया है, तो भाई उसकी मजबूरी है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पेट्रोलियम की या सिंथेटिक फ्यूल की, अगर उसे रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो वो इस रिएक्शन को यूज़ कर सकता है। उसके बाद है, अगर आप इस रिएक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल आपको मिलना बहुत स्कैर्सर हो जाएगा, मीन काफ़ी दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि मेन बात है जब आप इस रिएक्शन को यूज़ करते जाएंगे तो नॉर्मल है ना कि आपका क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल से अगर आप यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना रहे, तो ये प्रोसेस काफ़ी मीन
कह सकते हैं अन इकोनॉमिकल इसलिए। तो देखिए, अगर मैं फिशर प्रोपोस्ड रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट की डिबेट हुई है इस रिएक्शन को लेकर। लेकिन अब जो मीन हम कह सकते हैं कॉन्क्लूज़न निकल कर आया, वो कॉन्क्लूज़न ये है कि फिशर प्रोपोस्ड रिएक्शन के दौरान CO को यूज़ किया जाता है, CO मेटल की सरफेस पर जाकर रिएक्ट करेगा और वहाँ पर जाकर क्या होगा, डिसोसिएट होगा। आप इस वर्ड को याद रखें, CO मेटल की सरफेस पर जाकर डिसोसिएट होता है, वो मैं आपको मैकेनिज्म में और अच्छे से समझा दूंगी। तो वहाँ पर मेटल कार्बाइड बनेगा, फिर मेटल कार्बाइड से क्या है, उसका हाइड्रोजनेशन होगा और वहाँ पर आपका CH2 बनेगा। मीन यहाँ पर क्या है, आपका एल्केन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम सरफेस कार्बीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेटल की सरफेस पर कार्बीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सरफेस कार्बीन। और आपको फाइनली मेटल हाइड्रोजन जब उस पर अटैच होगा प्रोपेगेशन रिएक्शन के दौरान, तो फाइनली आपको क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है, मीन जिस भी हिसाब से आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको क्या है, प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो चलिए अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म शो कर देती हूँ। तो देखिए, मेटल की रिएक्शन सरफेस है, उस पर CO आया, ठीक है। मेटल की सरफेस जो यहाँ पर यूज़ की गई है वो मेनली आयरन की है, आयरन या फिर कोबाल्ट की। तो मेटल की सरफेस यूज़ की गई है, इस पर CO आया, आपने देखा CO अटैच हो गया। मैंने कहा था CO मेटल की सरफेस पर डिसोसिएट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर CO और O डिसोसिएट हो गया, अलग अलग हो गया। आप 2H2 लेकर आए तो दो हाइड्रोजन तो C के साथ जुड़ गए, यानी CH2 बन गया, और यहाँ से दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब वाटर बाहर निकल गया। फिर से आपने CO और H2 डाला तो एक और CH2 बना, फिर से और डाला होगा तो एक और CH2 बना, प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया। देन ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जॉइन होकर यहाँ पर क्या है, CH3 बना लेगा। तो मैंने कहा था इससे आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, CH3 CH2 CH3 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो CH3 है ही नहीं। तो अब ये CH2 इस साइड से जॉइन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हाइड्रोजन ऐड करा रहे, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस में आपको यहाँ पर मेटल की सरफेस मिल जाएगी, और यहाँ से जो साइट है यानी CH3 CH2 CH3 ये अलग हो जाएगा और आपको क्या है, यहाँ से प्रोपेन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद एक और मॉडल आता है जिसे हम मॉडलिंग स्टडी बोलते हैं। मॉडलिंग स्टडी के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला कि यहाँ पर इंटरेक्शन, अभी आपने देखा मेटल का और CO का इंटरेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन किसका होगा, डाइजोमेथेन यानी CH2N2 का होगा यहाँ पर इंटरेक्शन, वो भी मेटल आयरन रुथेनियम कोबाल्ट निकल या पैलेडियम सरफेस के साथ होगा। तो आप उससे दो कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक का एक एल्कीन आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप मैकेनिज्म देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपने रहोडियम का कोई भी कंपाउंड लिया है, आप उसे हीट कर रहे हैं, देन हीट करेंगे इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेक होगी, CpRHme, ठीक है, CpRHme, ये पोर्शन आपको अलग मिल गया। ये पोर्शन आपको, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपके बीच में आ जाएंगे, क्योंकि आपको इस प्रोसेस से प्रोपेन चाहिए, और ये वाला प्रोसेसर आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ से फाइनली, सॉरी प्रोपेन नहीं, प्रोपीन यहाँ से आप ऑप्टेन कर सकते हैं। आप इस मैकेनिज्म के दौरान एक बात याद रखें, अगर आप मेटल की सरफेस मतलब आयरन की सरफेस ले रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप आयरन ऐसा कैटलिस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या है, बड़े हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। तो अगर आप आयरन की सरफेस ले रहे हैं तो उस पर CO क्या है, आपका डिसोसिएट होगा, वो भी ज़्यादा कंटेंट में, तो आपको बड़ा हाइड्रोकार्बन मिलेगा। जबकि आप निकल की ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत ही मुश्किल से CO आपका डिसोसिएट होगा, जिससे कि आपको छोटा हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो यहाँ पर समथिंग बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन तो आपने फॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस, यहाँ पर मेटल की सरफेस आयरन की है, तो अगर आप आयरन की यूज़ कर रहे हैं तो आप इससे बड़ा भी क्या है, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। जबकि मैं आपको यहाँ पर शो करूँ, आपकी ये वाली रिएक्शन है, ये निकल की आप यूज़ कर रहे हैं सरफेस, तो प्रोसेसर सेम वही है, CO आके अटैच होगा, फिर CO डिसोसिएट होगा, वाटर बाहर निकलेगा, CH2 बनेगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर CH2 और दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर से रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ से आपको फाइनली CH4 यानी छोटा हाइड्रोकार्बन ही मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें।